हाय फ्रेंड, आज आपका हमारे इस नई वीडियो में स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे पास हुंडई कंपनी की i10 गाड़ी आई है कंप्लीट सर्विस के लिए। आज इसका हम कंप्लीट सर्विस करेंगे और आपको बताएंगे कि कंप्लीट सर्विस में हम लोग क्या क्या रिप्लेस करते हैं और क्या क्या काम करते हैं। सर जी, सबसे पहले तो इसका व्हील बेयरिंग चेक कीजिए। साउंड है कोई व्हील बेयरिंग में? नहीं है ना। पीछे का देखिए, ऊपर नीचे जरा प्ले कीजिए। प्ले है किसी सस्पेंशन के पार्ट में? नहीं है ना। हाँ, चलिए पीछे का देखिए। सबसे पहले फ्रेंड, तो हम इसका चारों व्हील घुमा कर चेक करेंगे कि कोई व्हील बेयरिंग गया है क्या, या किसी व्हील बेयरिंग में साउंड है क्या। देख सकते हैं किस प्रकार कोई साउंड नहीं है, प्ले भी नहीं है। राइट साइड में देखिए, आगे राइट का चेक कीजिए। परफेक्ट है ना। चलिए चारों व्हील ओपन कीजिए। देख सकते हैं फ्रेंड, हम इसका चारों व्हील ओपन करेंगे और इसका ब्रेक चेक करेंगे कि इसका ब्रेक पैड या लाइनर कुछ मिसिंग है क्या, या कुछ गया है क्या। इसी प्रकार से हम चारों व्हील ओपन करेंगे और उसके बाद आपको इसका ब्रेक पैड का थिकनेस और लाइनर का थिकनेस बताते हैं कि चेंज करना पड़ेगा कि क्या करना पड़ेगा। देख सकते हैं फ्रेंड, इसका हम ब्रेक पैड ओपन कर रहे हैं। इसका पिन चेक कर लीजिए, फ्री है ना? फ्री है। फिर भी थोड़ा वो बूट निकाल के ग्रीसिंग करके लगाइएगा। वो पैड निकालिए चेक करने का। देख सकते हैं फ्रेंड, ये इसका फ्रंट ब्रेक पैड है, ये हम रिप्लेस करेंगे क्योंकि ज़्यादा अभी 30% इसका बचा हुआ है थिकनेस। देख सकते हैं, तो हम इसे रिप्लेस कर देंगे। और इसका डिस्क का कंडीशन देखते हैं कि डिस्क भी इसका हार्ड हो चुका है और रस्ट भी पकड़ चुका है, तो ये डिस्क भी हम मशीन पर कटिंग कराएंगे। क्योंकि फ्रेंड क्या होता है, अगर समझ लीजिए हमने बाई चांस इसका ब्रेक पैड रिप्लेस किया और ये डिस्क कटिंग नहीं कराया, तो जब कस्टमर ब्रेक मारेंगे रनिंग में तो ब्रेक क्या होगा, जगह पे नहीं रुकेगा। ब्रेक यहाँ पे मारेंगे, आगे जाके 10 कदम पे रुकेगा। तो इसके लिए हम नहीं चाहते हैं कि कस्टमर को हमारे तरफ से कोई कंप्लेन आए, तो इसके लिए हम इसका डिस्क कटिंग करके इसका जो ऊपर का हार्ड मेटल रहता है उसे लेथ पर निकाल देंगे, ताकि कस्टमर जहाँ भी ब्रेक मारे प्रॉपर उसे तुरंत वहाँ गाड़ी रुकना चाहिए। तो इसके लिए हम इसका डिस्क कटिंग करा देंगे लेथ मशीन पर। इसी प्रकार हम राइट साइड का भी चेक करते हैं। ये लेफ्ट साइड का था। इसका भी पिन चेक कीजिए। ठीक है, तो पिन ग्रीसिंग कर लीजिएगा जब ब्रेक पैड चेंज करेंगे तभी। देख सकते हैं फ्रेंड, इसका भी ब्रेक पैड का कंडीशन वही है, 100% में से 30% बचा हुआ है, तो हम इसे रिप्लेस करेंगे। ये देख सकते हैं फ्रेंड, ये रियर हमारा ब्रेक लाइनर है। इसका व्हील सिलेंडर दोनों चेक कीजिए, फ्री है? फ्री है। देख सकते हैं फ्रेंड, इसका व्हील सिलेंडर फ्री है, लाइनर भी टकाटक एकदम। तो हम इसे सिर्फ पॉलिश पेपर मार कर और ऐसे ही फिट कर देंगे। ये आपका लेफ्ट साइड का था, अब हम राइट साइड का चेक करेंगे। चलिए राइट साइड का भी चेक कीजिए। ये इसका फ्रंट राइट साइड का है, इसका भी व्हील सिलेंडर चेक कीजिए, फ्री है। देख सकते हैं फ्रेंड, इसका भी व्हील सिलेंडर फ्री है।
आप फ्रेंड कभी भी ये ब्रेक पैड ओपन करेंगे तो व्हील सिलेंडर चेक कर लीजिएगा फ्री है कि नहीं। अगर व्हील सिलेंडर आपका जाम रहेगा ना, आधा अंदर बाहर वर्क नहीं करेगा तो आपका लाइनर पूरी तरह से खा जाएगा। तो ये आप कभी भी गियर कीजिएगा और ध्यान से चेक कीजिएगा। इसका एयर फिल्टर ओपन कीजिए। एयर फिल्टर का कंडीशन क्या है बताइए। तो देख सकते हैं फ्रेंड, इसका एयर फिल्टर भी चॉक ऑफ हो चुका है। तो हम इसका एयर फिल्टर भी रिप्लेस करेंगे। इसका एसी फिल्टर निकालिए, क्योंकि फ्रेंड हमारे पास क्या होता है, कंप्लीट सर्विस में हम सारी चीज़ें चेक करते हैं। सबसे पहले तो इसका इंजन ऑयल रिप्लेस करते हैं, ऑयल फिल्टर रिप्लेस करते हैं, एसी फिल्टर, एयर फिल्टर, चारों स्पार्क प्लग चेक करते हैं, इसका जो बेल्ट का कंडीशन है डेंटर का वो चेक करते हैं। बैटरी पानी चेक करते हैं, पूरी लाइटिंग ये चेक करते हैं, गाड़ी के जितने सिस्टम आते हैं उसे भी स्कैन करके हम चेक करते हैं कि गाड़ी में कोई इंजन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ताकि आगे चल कर कस्टमर को कोई कंप्लेन ना हो। इसका एसी फिल्टर भी हम आपको दिखाते हैं फ्रेंड। एसी फिल्टर निकालिए, ये देख सकते हैं एसी फिल्टर का कंडीशन, ये पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। इससे क्या होएगा फ्रेंड, कूलिंग में बहुत प्रॉब्लम आएगा। इसका जो ब्लोअर का हवा है वो जहाँ 100% आना चाहिए वहाँ 50% आएगा। तो हम इसका एसी फिल्टर भी रिप्लेस करेंगे। ये देख सकते हैं, देखिए फ्रेंड इसके कचड़े, ये देखिए फ्रेंड कितना कचड़ा है इसके अंदर। तो इसके लिए हम इसका एसी फिल्टर रिप्लेस करेंगे। इसका कूलेंट चेक कीजिए, ढक्कन उल्टा लगाया है। ये देख सकते हैं फ्रेंड, किसी ने इसका कूलेंट का जो कैप आता है वो भी उल्टा लगा दिया है, क्योंकि ये डेंजर जो है, डेंजर जोन ये साइड रहना चाहिए ये कंडीशन में। ऐसा रहना चाहिए फ्रेंड। कभी भी आप कैप को लगाइएगा तो इस पोजीशन पे लगाइएगा, किसी ने इसे उल्टा लगा दिया है ये कंडीशन में, तो इस तरह मत लगाइएगा, ये उल्टा कैप हो जाता है। इसका ब्रेक ऑयल चेक कीजिए, इसमें नीला कलर का कूलेंट डाला गया है फ्रेंड, आप देख सकते हैं जो अपना पेन का सीआई का इंक का कलर आता है वो डाला हो गया है। तो हम इसमें भी थोड़ा सा टॉप अप करेंगे, क्योंकि कूलेंट का ग्रेविटी अच्छा है। ब्रेक ऑयल चेक कीजिए, ब्रेक ऑयल लेवल है, देख सकते हैं फ्रेंड इसका ब्रेक ऑयल भी लेवल है। बोनट को बंद कीजिए, इसका जरा वाइपर ब्लेड चेक कीजिए, ब्लेड का कंडीशन क्या है, क्योंकि अभी बारिश आने वाला है तो कस्टमर को आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो बारिश के टाइम पे। तो इसका हम ब्रेक पैड देख सकते हैं फ्रेंड, इसका वाइपर ब्लेड का कंडीशन बहुत ख़राब है, पूरी तरह से फट चुका है। तो इसके लिए हम इसका वाइपर ब्लेड भी रिप्लेस करेंगे, क्योंकि अभी बारिश आने वाला है, एक डेढ़ महीने बाद बारिश आने वाला है, तो इसके लिए हम रिप्लेस कर देंगे कि कस्टमर को बारिश में किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, बंद कर दीजिए, ठीक है ओपन कीजिए। ठीक है फ्रेंड, तो इसकी हम सारी चीज़ें जो है आपको बताएंगे चेंज करके, रिप्लेस करके, इसका ब्रेक पैड, एसी फिल्टर, एयर फिल्टर और इसका फ्रंट ब्रेक पैड और डिस्क मशीनिंग कराएंगे। इतनी सारी चीज़ें हम करेंगे, उसके बाद गाड़ी का काम प्रॉपर होने के बाद फिर इस गाड़ी इसको फुल बॉडी वॉश करा कर फिर कस्टमर को डिलीवरी करेंगे। तो हम आपको इसका दिखाते हैं सारी नए पार्ट्स अरेंज करके। तो हम अब जा रहे हैं सारी नए पार्ट अरेंज करने के लिए, सारी नए पार्ट अरेंज करेंगे फिर आपको फिटिंग करके दिखाएंगे के पार्ट कि हम इसमें क्या क्या रिप्लेस कर रहे हैं। थोड़ा चलने दो, सबसे पहले तो काम कीजिए, आंसर ये पॉलिश पेपर लाइए, पीछे का पॉलिश पेपर मार के अच्छे से साफ करके इसे फिट कर दीजिए। देख सकते हैं फ्रेंड, इसका लाइनर का कंडीशन अच्छा है, तो इसके लिए हम खाली पॉलिश पेपर मार कर इसे क्लीन कर और ऐसे फिट कर देंगे।
ये रियर का ब्रेक लाइनर है, हमारा फ्रंट ब्रेक पैड है वो ख़त्म है, तो हम उसे रिप्लेस करके दिखाएंगे। कपड़े से फाड़ लीजिए कपड़े को। अच्छे से पूरी तरह से क्लीन कर दीजिए। क्लीन करके तो पीछे का ड्रम जो है लगा फिट करके टायर वायर दोनों पीछे का लगा दीजिए। ये हमारा लेफ्ट साइड का है फ्रेंड। हम राइट साइड का भी इसी तरह पेपर पॉलिश पेपर मार के क्लीन करके और फिट कर देंगे। देख सकते हैं फ्रेंड, ये हमारा राइट साइड का रियर ब्रेक लाइनर है, जिसे हम पॉलिश पेपर मारकर उसका जो हार्ड मेटल है उसे निकाल रहे हैं, ताकि ब्रेक मारने पर प्रॉपर तरीके से ब्रेक पकड़ सके। देख सकते हैं फ्रेंड, आपको तो नजदीक से दिखाते हैं। देखिए, इसे पॉलिश पेपर मारकर हमने इसका जो हार्ड मेटल आता है उसे पूरी तरह से निकाल दिया है। ब्रेक मारते समय पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से इसे दोनों जो लाइनर है वो ड्रम में प्रॉपर तरीके से पकड़े, ताकि ब्रेक अर्जेंट में लगे। ये हमारा पीछे का कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड। फिर लगा दूँ? हाँ, अब हम आगे का डिस्क ओपन करेंगे, क्योंकि डिस्क हमें कटिंग कराने का है। इसका दोनों डिस्क ओपन कीजिए। देख सकते हैं फ्रेंड, इसका दोनों जो ब्रेक डिस्क है इसे हम ओपन करेंगे और लेथ मशीन पे ले जाके लेथ मशीन पे कटिंग करवाएंगे। तो इसके लिए हम इसको ओपन कर रहे हैं। ये हमारा लेफ्ट साइड का डिस्क ओपन हो चुका है फ्रेंड। अब इसी प्रकार हम राइट साइड का भी डिस्क ओपन करेंगे। ये देख सकते हैं, ये हमारे राइट साइड का डिस्क है, इसे ओपन कर रहे हैं।
दोनों साइड का डिस्क ले लीजिए। ठीक है फ्रेंड, ये हमने दोनों डिस्क ओपन कर लिया है। अब इसे हम लेथ मशीन पे लेके जाएंगे कटिंग कराने के लिए। आप देख सकते थे पूरी तरह से रश पकड़ा हुआ है, पूरा रश हम निकाल लेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड, फाइनली हम अपना डिस्क लेथ मशीन पे लेके आए हैं। देख सकते हैं हमारा डिस्क कटिंग हो रहा है। अब इस डिस्क को हम कटिंग कराएंगे। कटिंग कराने के बाद फिर गाड़ी में फिट करेंगे। देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से लेथ मशीन पे हम इस डिस्क को कटिंग करा रहे हैं। ये हमारा इनर जो डिस्क का इनर है वो कटिंग हो चुका है। ये ऊपर का आउटर अब कटिंग होएगा। ये हमारा फर्स्ट डिस्क है, सेकेंड डिस्क वहाँ पे कटिंग हो रहा है। देख सकते हैं गाइस, ये हमारा आउटर कट हो रहा है, इनर कट हो चुका है, ये आउटर कट हो रहा है। इसी प्रकार से दोनों साइड हमारा कटिंग होगा। एक साइड चालू है, एक साइड कटिंग चालू है। अब इसका पीछे का जो हिस्सा है ये आगे का कटिंग होने वाला, पीछे का हिस्सा कटिंग होगा। तो दोनों डिस्क हमारा साथ साथ में कटिंग हो रहा है। आप देख सकते हैं, देखिए कितना फिनिशिंग से कट किया जा रहा है। इतना कट हो चुका है, इसी प्रकार पूरी तरह से कट होएगा। तो इसे कटिंग करके इसका हार्ड मेटल जो है इसे निकाल रहे हैं। देख सकते हैं गाइस, ये हमारा डिस्क जो है पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से कट हो चुका है। अब इसका अपोजिट साइड कटिंग करना चालू है। ये हमारा फर्स्ट डिस्क है, सेकेंड डिस्क है। अब इसे पलटी करके दूसरे साइड का हिस्सा जो है वो कटिंग करेंगे, इसी प्रकार से जिस प्रकार से हो रहा है। देख सकते हैं फ्रेंड, फाइनली हम इसके पार्ट को अरेंज कर लिए हैं। इसको ओपन कीजिए, एसी फिल्टर है फ्रेंड। ये देख सकते हैं हुंडई का जेन्युइन पार्ट हम लेके आए हैं। ये इसका ब्रेक पैड है, ये इसका ऑयल फिल्टर है। ये देख सकते हैं, ये हुंडई का ऑयल फिल्टर है, ये इसका एयर फिल्टर है, ये इसका एसी फिल्टर ओपन कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम रिप्लेस करने वाले हैं। ये इसका दोनों वाइपर ब्लेड है। एसी फिल्टर को बिठाइए। ये इसका हम एसी फिल्टर रिप्लेस कर रहे हैं। ये फ्रेंड अंदर लेफ्ट साइड में ग्लू बॉक्स इसका ओपन करेंगे तो उसके अंदर इसे एसी फिल्टर फिट होता है। ये देख सकते हैं हमने इसका ग्लू बॉक्स ओपन किया है। ये ग्लू बॉक्स फिट कर दीजिए। ये इसका हमने एसी फिल्टर रिप्लेस कर दिया है। अब इसका एयर फिल्टर रिप्लेस करेंगे। इसका एयर फिल्टर रिप्लेस कीजिए। ये इसका जूना एयर फिल्टर है फ्रेंड। ये इसका हमने नया एयर फिल्टर लाया है। पहले अंदर से पूरा प्रॉपर तरीके से साफ कर लीजिए। इसका हमने एयर फिल्टर भी रिप्लेस कर दिया है। अब इसका हम ऑयल फिल्टर फिट करेंगे। इसका ऑयल फिल्टर लीजिए, सब सामान को सब साइड में कीजिए। ब्रेक पैड को इधर दीजिए, सारा सामान साइड में कीजिए। ये देख सकते हैं फ्रेंड, ये हमने डिस्क को पॉलिश करके लेथ मशीन पे ला दिया है। ये दोनों साइड देख सकते हैं कटिंग हो चुका है। ये इसका इंजन ऑयल है फ्रेंड, 5W30 कैस्ट्रोल का, जो हम इस गाड़ी में टॉपअप करने वाले हैं।
ये हम इंजन ऑयल रिप्लेस करेंगे। हम कैस्ट्रॉल का इंजन ऑयल इसमें डालेंगे ये गाड़ी में। आप देख सकते हैं इसका ग्रेविटी 5W30 है, फुल सिंथेटिक देख सकते हैं। ये देख सकते हैं इस पर लिखा हुआ है फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल। तो हम इसमें कैस्ट्रॉल का ऑयल चेंज करने वाले हैं, आपको दिखाते हैं। ये इसका हम ऑयल फिल्टर फिट कर रहे हैं। अंसारी जी ऑयल फिल्टर फिट कर दिए, इसका देख सकते हैं फ्रेंड, इसका ऑयल फिल्टर हमने फिट कर दिया है। इसका चैम्बर का नट हम टाइट कर रहे हैं। इसके बाद हम इसमें इंजन ऑयल डालेंगे, ऊपर से आपको इंजन ऑयल डाल के दिखाएंगे। ये देख सकते हैं फ्रेंड, ये इसका ऑयल फिल्टर है जो हमने फिट कर दिया है। अब इसमें हम इंजन ऑयल टॉप अप करेंगे। अंसारी जी इसमें इंजन ऑयल डालिए। इसमें फ्रेंड 3 लीटर इंजन ऑयल बैठता है, हम इसमें आपको डालकर दिखाएंगे। देख सकते हैं फ्रेंड, इसमें हम 3.5 लीटर ऑयल डालेंगे क्योंकि इसमें 3.5 लीटर की ग्रेविटी है। ये देख सकते हैं आप, एक कैस्ट्रॉल का हमने ऑयल अरेंज किया है। ये देख सकते हैं इसमें 3.5 लीटर लिखा हुआ भी है, 3.5 लीटर का हमारा डब्बा है। ये देख सकते हैं इंजन ऑयल, एक कैस्ट्रॉल की खासियत है, शहद जैसा दिख रहा है, देख सकते हैं। 3.5 लीटर हम इसमें पूरा डालेंगे। हमारे पास सारी गाड़ियों में कैस्ट्रॉल का ही हम इंजन ऑयल यूज करते हैं, दूसरे किसी कंपनी का नहीं यूज करते हैं। खाली हमारे पास मर्सिडीज BMW जो आता है उसमें हम खाली 0W40 का यूज करते हैं, मोबिल कंपनी का। बाकी ऑल गाड़ियाँ जितनी आती है पेट्रोल गाड़ियाँ उसमें हम सिर्फ कैस्ट्रॉल का यूज करते हैं ऑयल। देख सकते हो फ्रेंड, इसका हमने पिन भी ग्रीसिंग किया है। ये देख सकते हो अंदर बार वर्क कर रहा है। कभी भी आप ब्रेक पैड रिप्लेस करेंगे तो इसको पिन को सबसे पहले चेक कर लीजिएगा। अगर ये पिन जाम रहेगा तो आपका ब्रेक पैड पूरी तरह से खा जाएगा। जहाँ 10,000 किलोमीटर चलना है वहाँ 2,000 से 3,000 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, हम अब इसका डिस्क फिटिंग कर रहे हैं। देख सकते हैं ये हमने लेथ मशीन पर कटिंग करके लाया है, आपके सामने है। तो इसे हम फिट करेंगे, इसका ब्रेक पैड भी रिप्लेस करेंगे। ये हुंडई i10 का है, देख सकते हैं हुंडई i10 है कापा, जिसका हम ये सब काम कर रहे हैं। क्या चाहिए? नहीं वो नहीं, देख सकते हैं फ्रेंड ये हमारा डिस्क पूरी तरह से फिट हो चुका है। अब इसका हम कैलिपर फिट कर रहे हैं। इसमें 17 नंबर का 2 बोल्ट आता है कैलिपर में। ये डिस्क ओपन करने के लिए हमें खोलना पड़ता है। अगर ब्रेक पैड रिप्लेस करना है तो हमें कैलिपर बाहर निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका हमने डिस्क पर डिस्क कटिंग करने का था, इसके लिए हमने इस कैलिपर को ओपन किया था। ठीक है, बफ पाने से इसको फाइनल हाथ मारिए, बफ पाना टी टोनी से।
बस गाड़ी उठ रहा है, इतना भी टाइट मत कीजिए कि गाड़ी गिर जाए। ठीक है, इसका ब्रेक पैड बिठाइए। ये देख सकते हैं फ्रेंड, आपके सामने हम इसका सील ओपन कर रहे हैं। हमारा फ्रेंड ब्रेक पैड भी फिट हो चुका है, इसी प्रकार से हम लेफ्ट साइड का भी फिट करेंगे। ये राइट साइड का है, एक बार व्हील को घुमा के, डिस्क को घुमा के देख चेक कीजिए, फ्री है ना अपना डिस्क? इस पर कोई साउंड ऑन नहीं है ना? ठीक है, चलिए वो लेफ्ट साइड चलिए। अब फ्रेंड हम राइट साइड का डिस्क फिटिंग कर रहे हैं। जिस प्रकार से हमने लेफ्ट साइड का फिटिंग किया था, उसी प्रकार से हम राइट साइड का भी फिट करेंगे। देख सकते फ्रेंड, अब हम लेफ्ट साइड का डिस्क फिटिंग कर रहे हैं। जिस प्रकार हमने राइट साइड का फिटिंग किया था, उसी प्रकार से हम लेफ्ट साइड का भी फिटिंग करेंगे। यह हमारा फिटिंग चालू है लेफ्ट साइड का। ब्रेक पैड बिठाइए। इसे पिन को ग्रीसिंग कीजिए, बूट निकालिए, पहले बूट निकालिए, बूट निकाल के साफ कीजिए। बूट को पहले कैलिपर में बिठाइए, उसको भी साफ कीजिए, कैलिपर के पिन को। उसे भी ऑयलिंग कीजिए। ठीक है फ्रेंड, एक कैलिपर का पिन भी हमने ग्रीसिंग कर दिया है, क्योंकि अगर जाम रहेगा तो आपको हमने बताया ही था, अगर जाम रहेगा ऐसे ही हमने ब्रेक पैड चेंज कर दिया, रिप्लेस कर दिया, और ये जाम है ऐसे ही हमने फिट कर दिया, तो ब्रेक पैड पूरा खा जाएगा। जहाँ 10,000-15,000 किलोमीटर चलना चाहिए, वो 2,000-3,000 किलोमीटर चलेगा। चलिए फिट कीजिए अब। ठीक है, इसका हम ब्रेक पंप कर रहे हैं। ब्रेक पंप करने के बाद आप दोनों डिस्क को घुमा के चेक कीजिए, फ्री है क्या, जाम नहीं है ना?
घुमा के देखिए, फ्री है ना, लेफ्ट साइड का ठीक है, राइट साइड का देखिए। चलिए अब चारों व्हील फिट कर दीजिए, उसके जो चारों टायर है उसको लगा दीजिए और डाउन कीजिए। एक बार गाड़ी स्टार्ट करके इसका फिल्टर का जो ऑयल का लीकेज वीकेज है क्या कुछ चेक कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा गाड़ी पूरी तरह से प्रॉपर रेडी हो चुका है, खाली इसमें व्हील लगाना बाकी है चारों, बाकी हमारा ब्रेक सर्विस भी हो गया है, इंजन ऑयल फिल्टर, एसी फिल्टर, एयर फिल्टर, ये सब हमने रिप्लेस कर दिया है। इसका इंजन ऑयल भी हमने इसमें टॉप अप कर दिया है। ब्रेक ऑयल आप देख सकते हैं, ब्रेक ऑयल पूरी तरह से लेवल में है। देख सकते हैं फ्रेंड, इसका खाली वाइपर ब्लेड रिप्लेस करना बाकी है जो हम रिप्लेस कर रहे हैं, बाकी सारे कामें हमारी हो चुकी है। ये इसका किसी भी गाड़ी में फ्रेंड लेफ्ट साइड में छोटा वाइपर ब्लेड आता है और राइट साइड में बड़ा वाइपर ब्लेड आता है, और जो आरम है वो राइट साइड का छोटा आता है, लेफ्ट साइड का बड़ा आता है, उसके हिसाब से इसका वाइपर ब्लेड दिया जाता है। ये देख सकते हैं हमारा जो राइट साइड का जो वाइपर आर्म है ये छोटा रहेगा लेंथ में, और इसका वाइपर ब्लेड बड़ा रहेगा, इसमें बड़ा वाइपर ब्लेड फिट कीजिए। प्रॉपर खींच के लॉक कर दीजिए इसको। ठीक है, अब लेफ्ट साइड का छोटा वाला रिप्लेस कीजिए। इसमें फ्रेंड हम आपको बता सकते हैं, ये जो है इसमें 22 नंबर का वाइपर ब्लेड राइट साइड में आता है और 16 नंबर का लेफ्ट साइड में आता है वाइपर ब्लेड का साइज फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, ये हमने दोनों वाइपर ब्लेड भी रिप्लेस कर दिया है, अब इसका बैटरी वाटर चेक करना बाकी है और पूरी लाइटिंग ये जितनी आती है वो चेक करना बाकी है, तो हम आपको वो भी चेक करके बताते हैं। इतना चेक करने के बाद हमारी गाड़ी फाइनल हो जाएगी, सिर्फ वॉशिंग बाकी रहेगा, तो इसके दो इसके हमारा काम होने के बाद वॉशिंग करने के बाद हम कस्टमर को शाम तक गाड़ी डिलीवरी कर देंगे। बैटरी पानी चेक कीजिए, ये हम इसका बैटरी पानी चेक कर रहे हैं। ये जितने भी चीज़ें हमने आपको बताया है फ्रेंड, ये हमारा फुल कंप्लीट सर्विस में आता है। कंप्लीट सर्विस के लिए कोई भी गाड़ी हमारे पास आता है तो सारी चीज़ें हम चेक करते हैं और सारी चीज़ें भी रिप्लेस करते हैं। ये सारी चीज़ें फ्रेंड काम करने का हमारा पेट्रोल गाड़ी में, जितनी पेट्रोल गाड़ियां है तो हमें सारी चीज़ें का काम करने का 7000 रुपये लेते हैं। 7000 में हम आपको फोर व्हील ब्रेक सर्विस, इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, एसी फिल्टर, बैटरी पानी चेकअप, पूरी इंजन की सिस्टम में चेकअप और अपना ब्रेक लाइटिंग चेकअप और फुल वॉशिंग, ये सारी चीज़ें हम 7000 में करके देते हैं फ्रेंड। अगर ब्रेक पैड में कुछ गैर रहेगा, ब्रेक पैड लाइन होना, तो उसका एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं, सिर्फ सामान का, लेबर कोई नहीं। 7000 में हम सारी चीज़ें करके देते हैं। बैटरी खराब है उसमें मैं अपग्रेड डालता हूँ। ये देख सकते हैं फ्रेंड, ये हमारा बैटरी पानी का जो लेवल है वो पूरी तरह से बराबर है, इसे इसमें टॉप अप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसका ढक्कन लगा दीजिए। ठीक है, वाइपर में पानी टॉप अप कीजिए। देख सकते हैं फ्रेंड, ये हमारा कंप्लीट सर्विस का काम पूरी तरह से हो चुका है, खाली टायर लगा कर इसे डाउन कर और फुल वॉशिंग खाली बाकी है।
फुल वॉशिंग होने के बाद हम इसका पूरी तरह से लाइट चेकिंग चेकअप करेंगे। कोई भी लाइट अगर बंद रहेगा तो उसे हम चालू करके और उसके बाद से कस्टमर को डिलीवरी दे देंगे। क्योंकि क्या होता है फ्रेंड, कभी कभी वॉशिंग करने के बाद कोई कोई लाइट कभी बंद भी हो जाता है, तो इसके लिए हम इसका वॉशिंग होने के बाद इसका लाइट चेकअप करते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं ये टायर लगाना चालू है। इसी तरह से हम चारों व्हील लगाएंगे, इसे डाउन करेंगे और उसके बाद एक टेस्ट ड्राइव लेंगे कि हमारा ब्रेक कितना प्रॉपर तरीके से लगता है कि नहीं, क्योंकि हमने इसका ब्रेक पैड रिप्लेस किया है और आगे का डिस्क पॉलिश किया है, ताकि आगे चल के कस्टमर को किसी प्रकार का कोई कंप्लेन ना हो या रास्ते में किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम ना आए। अंसारी जी, इसी तरह चारों टायर लगा कर डाउन कीजिए, व्हील को टाइट कीजिए, फिर एक टेस्ट ड्राइव लेते हैं और उसके बाद सर्विस में डाल देते हैं वॉशिंग करने के लिए। जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं, हमारी गाड़ी की वॉशिंग पूरी तरह से हो चुकी है। ये देख सकते हैं इसका हमने इंजन भी वॉश करवाया है, देख सकते हैं तो फुल गाड़ी बॉडी वॉश हो चुकी है पूरी तरह से, और जो हमारा कंप्लीट सर्विस का काम था वो भी पूरी तरह से हो चुका है। इसका हम लाइट चेकअप कर रहे हैं, अब इसका हम लाइट चेकअप करते हैं पूरी तरह से। आप ब्रेक दबाओ, देख सकते हैं फ्रेंड इसका ब्रेक लाइट चालू है दोनों साइड का। रिवर्स डालो, इसका रिवर्स साइड भी चालू है, देख सकते हैं आप चारों साइड का इंडिकेटर भी चालू है। देख सकते हैं मडगार्ड का इंडिकेटर, हेडलाइट का, अपर डिपर मारो, देख सकते हैं फ्रेंड इसका अपर डिपर भी चालू है। ठीक है फ्रेंड, ये गाड़ी हम जो कंप्लीट सेल्स का काम था ये पूरा हो चुका है हमारा। इसकी हमने सारी चीज़ें जो जो ज़रूरी था वो पूरी तरह से चेंज कर दिया है। इसका फुल ब्रेक सर्विस किया है, इंजन ऑयल, आयल फिल्टर, एयर फिल्टर, एसी फिल्टर, कूलेंट, ये सारी चीज़ें, इंजन ऑयल, ये सारी चीज़ें हमने रिप्लेस की है और ये गाड़ी को फुल वॉश किया है। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट सर्विस का काम फ्रेंड पूरी तरह से वो पूरा हो चुका है। अब ये गाड़ी हम लेके जा रहे हैं कस्टमर को डिलीवरी देने के लिए। डिलीवरी देने से पहले एक बार इसका हम टेस्ट ड्राइव मार लेते हैं, आपको दिखाते हैं। ठीक है फ्रेंड, देख सकते हैं मीटर पे किस प्रकार कोई लाइट भी नहीं है, ऑयल लाइट, इंजन लाइट, चेक लाइट, किसी प्रकार कोई लाइट नहीं आप देख सकते हैं। तो हम इसका एक टेस्ट ड्राइव लेंगे और उसके बाद कस्टमर को गाड़ी डिलीवरी कर देंगे। देख सकते हैं फ्रेंड इसका ब्रेक ब्रेक ये गाड़ी हमारी पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से रेडी हो चुकी है। इसका ब्रेक भी आप देख सकते हैं जगह पे हमारी गाड़ी रुक रही है, इसके ब्रेक में किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने इसका ब्रेक पैड रिप्लेस किया है और डिस्क भी पॉलिश कराया है। जो हार्ड मेटल रहता है डिस्क का, उसे कटिंग करके हमने प्रॉपर तरीके से उसको ये किया, नरम किया करके। देख सकते हैं गाड़ी में किस प्रकार कोई भी साउंड नहीं है, सस्पेंशन में साउंड नहीं है, दरवाजे का साउंड नहीं है।
डिफरेंट, पिकअप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी प्रकार का भी नहीं। वॉश करने के बाद क्या होता है, कभी कभी हमारे कॉइल में पानी चला जाता है तो पिकअप का प्रॉब्लम आ जाता है, झटका लेता है, मिसिंग करता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वॉश करने के बाद हमने चारों कॉइल का जो इग्निशन वायर का कॉइल का जो वायर आता है उसे चारों ओपन करके उसके अंदर हमने हवा मारा ताकि प्लग के अंदर पानी ना जाए और कॉइल इसका प्लग वायर जो आता है उसमें मिसिंग ना हो, शॉर्ट सर्किट ना हो, इसके लिए हमने चारों प्लग वायर निकाल के उसमें पूरी तरह से हवा मार के क्लीन कर दिया है ताकि कस्टमर को रास्ते में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। फाइनली फ्रेंड, हमने इस गाड़ी का टेस्ट ड्राइव भी ले लिया है पूरी तरह से। अब इस गाड़ी में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इस गाड़ी को बिंदास बिना किसी टेंशन के कस्टमर को गाड़ी डिलीवरी